रूस से आने वाला सस्ता तेल किधर गया, जहां पे हकूमत ने तकरीबन 20-20 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, वहीं पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो ये हकूमत अपना वोट बैंक जो है वो खुद ही कम कर रही है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ाती जा रही है। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? जो रूस से तेल आया था वो तो कहा जा रहा था कि सस्ता तेल है तो उससे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन कौन सी वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो रूस से हमारे पास तेल आया था वो था 1 लाख मैट्रिक टन, और 1 लाख मैट्रिक टन तेल जिसमें खाम तेल का हजम 7,15,000 बैरल था, और उसके बाद इस तेल को रिफाइन किया गया जिसमें से 50% फर्नेस ऑयल और 50% पेट्रोल और डीजल निकला। अब यहाँ पे रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल और डीजल निकला, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता पड़ रहा है। यानी जो इतना दो जो है वो कार्गो मंगवाए गए और रूस से दो जो कार्गो आए उनसे फी लीटर रिफाइन करने के बाद हमें 10 रुपए जो है वो बचे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे जो है वो कितना आपका पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता होगा। उसके अलावा जो IMF से हमें आधा तो कर्जा मिला आधा कर्जा नहीं मिला, तो उनकी कड़ी शरारत थी, तो उन कड़ी शरायत को पूरा करने के लिए पिछली बार भी पेट्रोलियम मसनूआत को की कीमतों को बढ़ाया गया, और इस बार जो है वो आलमी मंडी में कीमतें चूंकि बढ़ाई गई हैं और उधर से IMF के इतराजात हैं और IMF भी प्रेशर दे रही है, तो उसके तहत जो है वो फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन वाजे सी बात है, इस इन कीमतों को बढ़ाने से जो है वो इस PDM हुकूमत, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा।